केरला स्टोरी को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है और एक ऐसा वर्ग है जो इसे कह रहा है कि धार्मिक एजेंडा फैलाने की कोशिश हो रही है। कुछ युवा इस वक्त हमारे साथ हैं, कल ही ये मूवी देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज हुई है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये लोग अभी बाहर निकले हैं सिनेमा देखकर। नाम क्या आपका? मेरा हरिओम उपाध्याय। अच्छा, ये बताइए कि द केरला स्टोरी जो आप लोग अभी देख कर आए हैं, कैसी है मूवी, थोड़ा इसके बारे में? मूवी बहुत अच्छी है, एक तरह से जो ऑटोबायोग्राफी होती है कि पूरी स्टोरी बताई जाए कि क्या हुआ है, किसके बारे में, टोटल पूरा ए टू जेड मेरे ख्याल से तो पूरा ट्रू इवेंट बेस पे ही दिखाया गया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि धार्मिक एजेंडा फैलाने की कोशिश हो रही है, एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। अब विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है बोलेंगे तो इतनी सारी मूवीज़ हैं जो हिंदुओं के ऊपर बनी है जिसमें हिंदुओं को गलत दिखाया गया है, उस पर तो हमने कभी प्रतिरोध नहीं किया कि ये गलत है। अब आप दूसरी कम्युनिटी करें तो अब बाकी तो बोलते ही हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो अब आप मूवी के ऊपर क्यों बोल रहे हैं? मूवी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन, कोई कुछ भी बोलना चाहे। आप बाद में बताइए कि गलत है कि सही है, लेकिन लोगों को देखने दीजिए जो देख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि कहा जा रहा है कि मूवी में कि ब्रेन वॉश के माध्यम से हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया गया है, क्या कितनी सच्चाई है? ये तो सच्चाई है कि ब्रेन वॉश किया जाता है। आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी कहा था यही। आप उनकी कोई स्पीच थी पहले की, किसने कहा था? मुख्यमंत्री थे पहले का, मुझे नाम करंट याद नहीं है। नाम क्या था? अब नाम ही नहीं याद नहीं है मुझे, लेकिन और बाकी तो ऐसे कई सारे केसेस भी वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं इस टाइम पे, और बल्कि बढ़ते जा रहे हैं इस टाइम पे। अभी जब खुलासा हुआ है, और वहाँ पे तो चुप्पी हमेशा ही शादी रही जाती है जब तक कोई खुलासा ना हो।